वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्पाई। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली होने वाली है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल 2023 में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन गाइस, इसमें स्पेशल ये है कि इससे पहले भी डीयू ने अपना नोटिस जारी किया था जो कि ऑफिशियल नोटिस था। तो गाइस, उसमें यही लिखा हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर एंड नाइन्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये जो है एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है और उसका लास्ट डेट करीबन 16-17 तारीख बता दी गई थी, 10वें महीने की, मतलब अक्टूबर की 16-17 तारीख तक उसका बता दिया था कि ये है इसकी लास्ट डेट। लेकिन गाइस, ये देख सकते हो आप लोग कि 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर की ये न्यू नोटिफिकेशन है। आप सब इसको देख सकते हो गाइस कि ये न्यू नोटिफिकेशन है 6 तारीख की। इसमें गाइस बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा पड़ा हुआ है कि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 18 तारीख 10वां महीना 2023 यानी 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है बाई 11:55 PM यानी रात के 12 बजे से 5 मिनट पहले। तो गाइस, इसका आखिरकार मतलब क्या है? गाइस मैं बताता हूँ, मैंने इससे पहले वाला नोटिफिकेशन पे भी रिसर्च करी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, गूगल पे भी रिसर्च करी, उसमें भी मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा ख़ास तो नहीं पता चला, लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए नहीं था। वो फॉर्म जो थे वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए नहीं था। वो फर्स्ट सेमेस्टर जो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उस फॉर्म में भी ऐसे लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के एक्स स्टूडेंट यानी कि 2022 वाले बैच वाले जो कि अपना पेपर इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए था, या फिर वो जो है अपना पेपर दोबारा देना चाहते हैं, उनकी बैक आ गई है, उनके लिए था गाइस, रिपीटर्स यानी। तो गाइस, एक और खुशखबरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों, तुम्हारे लिए या हमारे लिए 18 तारीख 10/2023 तक इस डेट की फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और गाइस, ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है बाई DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो गाइस, ये है ऑफिशियल उसकी लिंक slc.uod.ac.in, जहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी फॉर्म की लिंक है, वेबसाइट की लिंक है, इस पर आप फॉर्म भरोगे, फीस पे करोगे, ये वो है। गाइस देख सकते हो बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है। और सेकंड बात मुझे आपसे ये करनी थी, फर्स्ट ईयर वालों, हम लोगों का भी एनरोलमेंट नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर हमारा अभी कि नहीं आया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये वेबसाइट को ओपन करोगे तो इसमें सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा। लेकिन गाइस, एनरोलमेंट नंबर अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं आया है, तो उसी के लिए मुझे लगता है कि ये जो डेट है एक्सटेंड की गई है 18 तारीख 10/2023 यानी कि 18 अक्टूबर 2023 तक इसकी डेट एक्सटेंड की गई है। गाइस, आज के लिए इतना ही। जब एनरोलमेंट नंबर आएगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं पक्की बात है जब मैं ये फॉर्म खुद भरूंगा अपना, क्योंकि गाइस मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं ये फॉर्म भरूंगा तभी मैं इसकी वीडियो भी बना लूँगा स्टेप बाय स्टेप फॉर फ्रेशर की। गाइस देख सकते हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है फ्रेशरों के लिए खास के, क्योंकि गाइस वो बिल्कुल न्यू होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।